गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा, वेलकम टू आदर्शला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सिक्स NCERT सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नेम था अर्बन लाइवलीहुड। इस चैप्टर के पार्ट थर्ड को रीड करेंगे। पार्ट थर्ड में हम रीड करेंगे फैक्ट्री एरिया के बारे में कि सिटी में एक तरह अर्बन में किस तरह की फैक्ट्री होती है, वहाँ पर लोग किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, फैक्ट्री में किस तरह लोग काम करते थे। I wanted to have a zari work done on one of my dress. जो बच्चे थे आपस में बात कर रहे थे, उनमें से एक को क्या करानी थी, अपने जो ड्रेस है उस पर जरी का वर्क कराना था, कढ़ाई वगैरह जो होती है डिजाइनिंग उसका वर्क कराना था। Which I needed for a special occasion. उसे वो किसी स्पेशल ओकेजन पर पहननी होगी ड्रेस, तो इसलिए उसे कराना था। My cousin, उसकी कज़िन ने कहा that she knew Nirmala. वो एक निर्मला को जानती है, वो वर्क इन ए गारमेंट फैक्ट्री। जो कहाँ काम करती है, एक गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करती है, उसे आता होगा जरी का काम करना। निर्मला नेबर्स डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। वो जो है निर्मला, पास में ही एक जरी का वर्क करती है और एम्ब्रॉयडरी का। सो वी कॉट ए बस, उन्होंने क्या करी, झट से एक बस पकड़ी और हैंडेड इट टुवर्ड द फैक्ट्री एरिया, फैक्ट्री एरिया की साइड जाने लगे बस से। द बस वॉज रियली क्राउड, बस में क्या था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट इन एंड हार्डली एनीवन सीम टू गेट ऑफ। उससे कोई उतर तो रहा नहीं था, लेकिन हर स्टॉपेज पे कोई ना कोई उसमें चढ़ते जा रहे थे। बस में बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था, भीड़ हो गई थी। पीपल वर पुशिंग अदर टू मेक मोर स्पेस फॉर देम सेल्फ, लोग भरे जा रहे थे, कोई स्पेस नहीं बचा था, एक दूसरे को पुश कर रहे थे। माई कज़िन गाइडेड, उसकी कज़िन ने गाइड किया मी टू ए कॉर्नर, उसे एक कॉर्नर पे, सो दैट दी वुड नॉट गेट स्क्वायर्ड। उसे जो है एक कॉर्नर पे खड़ा कर दिया, जिससे उसे स्क्वायर्ड मतलब एक तरह से भुर्ताजा बन जाता है ना, खड़े खड़े भीग जाते हैं सब लोग, इस तरह से ना हो। आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रेवल लाइक दिस एवरी डे, वो सोचने लगी कि क्या लोग ऐसे ही डेली मतलब इस तरह से ट्रेवल करते हैं इसमें बस में। एज द बस एंटर्ड इन द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्ट गेटिंग ऑन, जैसे ही फैक्ट्री का एरिया आया सभी लोग धीरे धीरे उससे उतरने लगे बस से। वी ऑल्सो गॉट ऑफ सून एट ए क्रॉसिंग, वो भी पास में ही आगे थोड़ा सा एक क्रॉसिंग था, वहाँ पर उतरने लगे। वॉट ए रिलीफ दैट वॉज, उसके बाद उन्हें रिलीफ सा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, जब उतरे तो रिलीफ सा मिला उन्हें। देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलिंग और इन ग्रुप एट द क्रॉसिंग, जैसे ही वो क्रॉसिंग पर उतरे वो क्या देखते हैं कि बहुत सारे पीपल बैठे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हैं, लोगों के झुंड की तरह बैठे थे रेलिंग पे। दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन, वो किसी ना किसी का वेट कर रहे थे। सम ग्रुप हैड पीपल ऑन स्कूटर स्टैंडिंग बाई टॉकिंग विद देम, कोई अपने स्कूटर पे बैठा था और उनसे खड़े थे बातें कर रहे थे। माई कज़िन, उसकी कज़िन ने एक्सप्लेन किया दैट दिस प्लेस वॉज कॉल्ड लेबर चौक, कि ये जो प्लेस है इसे क्या कहते हैं, लेबर चौक कहते हैं। दीज वर डेली वेज लेबर्स, जहाँ पर डेली वेज लेबर आते हैं, मजदूरी वाले मजदूर आते हैं, वो वर्क एज हेल्पर एंड मैसन्स, जो कहाँ हेल्पर का मैसन का मिस्त्री का काम करते हैं। दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट, जो काम करते हैं कहाँ पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर, लिफ्ट रोड अनलोडेड, लोड वगैरह उठाना कुछ भारी सामान, ट्रक इन द मार्केट, ट्रक से एक तरह से सामान उतारना, डिग पाइपलाइन खोलना, टेलीफोन्स केबल, आल्सो बुल्ड रोड, इस तरह का वो लोग मजदूरी का काम करते थे। देर वर थाउजेंड ऑफ सच कैजुअल वर्कर इन द सिटी, ऐसे हजारों बहुत सारे वर्कर भी थे जो काम करते थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें काम नहीं मिल पाता था, है ना, डेली। नेक्स्ट पैरा, वी एंटर्ड ए फैक्ट्री एरिया, जैसे फैक्ट्री एरिया में एंटर किया टू फाइंड इट फुल ऑफ ए स्मॉल वर्कशॉप, उन्हें क्या दिखाई दी, एक छोटी सी वर्कशॉप दिखाई दी। देर सीम टू बी एंडलेस रो ऑफ देम, उन्होंने क्या देखा, दूर तक एक लाइन लगी हुई है, रो लगी हुई है इन वन सेक्शन, मतलब जिसे अपना काम कराना वो लाइन में लग के खड़ा होकर अपने काम करा रहे थे। इन वन सेक्शन वी सॉ पीपल वर्किंग इन द स्मॉल रूम ऑन स्विंग मशीन, इसमें देखा एक छोटे से रूम में सिलाई मशीन लगी हुई है, वेयर क्लोथ वाज बीइंग स्ट्रेच्ड, जहाँ पर कपड़े सिले जा रहे थे। वन पर्सन ऑपरेट वन स्विंग मशीन, एक आदमी एक सिलाई मशीन को ऑपरेट कर रहा था। क्लोथ दैट हैड बीन स्ट्रेच्ड वर स्टैंड ऑन वन साइड ऑफ द रूम, और जो कपड़े सिल जाते स्ट्रेच्ड हो जाते थे उन्हें एक साइड रूम में लाइन बना के रख देते थे। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्ट्रेचिंग यूनिट, उन्होंने जैसे ही निर्मला को देखा सिलाई करते, शी वॉज हैप्पी, वो खुश हुए मिलकर उनसे। मीट माई कज़न, उसने बताया मीट माई कज़न एंड प्रॉमिस टू गेट जरी वर्क डन माई ड्रेस, और उन्होंने उससे प्रॉमिस कर दिया उसकी जो ड्रेस थे उस पर जरी करने का, कढ़ाई करने के काम को। निर्मला वर्क्स एज ए टेलर
इन एन एक्सपर्ट गारमेंट्स यूनिट। निर्मला जो एक्सपर्ट थी अपने काम करने में, द फैक्ट्री वर्क शी वर्क मेक समर क्लोथ फॉर पीपल फॉरन कंट्री। वो लोग विदेश से आने वाले कपड़ों को सिलते थे, जैसे USA से, UK, जर्मनी, नीदरलैंड, इनके यहाँ की ड्रेसेस वो सिलाई क्लोथिंग कपड़े सिलते थे। वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। दिसंबर से अप्रैल तक उन्हें बहुत लॉन्ग टाइम तक वर्क करना पड़ता था फैक्ट्री के अंदर। इन नॉर्मल वर्किंग डेज 9 AM एंड फिनिश बाई 10 PM। वो सुबह 9 बजे आते थे और रात को 10 बजे तक उन्हें वर्क करना पड़ता था। समटाइम्स इवन लेटर, कभी कभी वो इससे ज़्यादा भी लेट हो जाते थे। शी वर्क फॉर 6 days a week। वीक में 6 डे उन्हें वर्क करना पड़ता था। एट टाइम व्हेन वी वर्क नीडेड टू बी डन अर्जेंटली, अगर कोई अर्जेंटली वर्क ज़्यादा आ जाता था, शी वर्क ऑन द संडे टू, तो उन्हें संडे में भी आना पड़ता था। निर्मला इज पेड 280 a day फॉर 8 hours एंड ₹100 extra फॉर वर्किंग लेट। एक दिन के 280 rupees मिलते थे, अगर किसी दिन वो एक्स्ट्रा वर्क करते तो 100 rupees उन्हें एक्स्ट्रा मिल जाते थे। बाय जून द वर्क इज़ ओवर, जून में वर्क ज़्यादातर ओवर हो जाता था फैक्ट्री का, रिड्यूस इट स्टाफ, और वो फिर उसके बाद स्टाफ को निकाल देते थे। मतलब उन्हें जब तक ज़रूरत है, जब तक वो अपने पास रखते थे, और अगर कंप्लीट हो गया वर्क तो उसे निकाल देते थे एम्प्लॉय को अपने। निर्मला विल ऑल्सो आस्क टू लीव, निर्मला को भी ऐसे ही होना पड़ता होगा, निकलना पड़ता होगा। फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देर इज़ नो वर्क फॉर हर। ईयर में 3 to 4 months उसे वर्क नहीं मिलता था उस फैक्ट्री में। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। मोस्ट वर्कर लाइक निर्मला, निर्मला जैसे और भी बहुत सारे वर्कर थे, एम्प्लॉय थे वहाँ। वट इज़ नो एज द कैजुअल बेसिक, दैट इज दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड वेन एम्प्लॉय नीड देम। ऐसे बहुत सारे वर्कर थे निर्मला की तरह, जिन्हें निकाल दिया जाता था और जब उनकी ज़रूरत होती थी तब उन्हें बुला लेते थे वो लोग। दे आर एम्प्लॉयड वेन द एम्प्लॉयर गेट लार्ज ऑर्डर, जब उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता था ड्यूरिंग सर्टेन सीजन में, तब वो उन्हें बुला लेते थे। एट अदर टाइम्स ऑफ ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर ऑफ वर्क, और उसके अलावा उन्हें फिर कहीं और काम ढूंढना पड़ता था। जब फैक्ट्री में काम है, फैक्ट्री में क्या, उसके बाद फैक्ट्री का काम कंप्लीट हो गया, उन्हें निकाल दिया, फिर उसके बाद उन्हें कहीं और काम ढूंढना पड़ता था। जॉब लाइक्स निर्मला इज़ नॉट परमानेंट, निर्मला की जो जॉब थी वो परमानेंट तो थी नहीं। इफ़ वर्कर कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशन दे आर आस्क्ड टू लीव, अगर कोई वहाँ पे को लेकर या किसी कंडीशन को लेकर कुछ कहता था तो उन्हें लीव मतलब छोड़नी पड़ती थी फैक्ट्री। देर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, की कोई सिक्योरिटी नहीं थी जॉब की, प्रोटेक्शन नहीं थी। देर इज़ इल ट्रीटमेंट, उनके साथ अगर कोई मिसबिहेव करता था तो कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, उसका सॉल्यूशन नहीं था एक तरह से। दे आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, उन्हें बहुत लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लोथ मील यूनिट वर्कर्स वर्क ऑन डे नाइट शिफ्ट, उन्होंने डे नाइट शिफ्ट अलग अलग कर रखी थी, वर्क करते थे वो दिन रात। विद ईच शिफ्टिंग लास्ट 12 hours, एक शिफ्ट 12 hours की थी। वन वर्कर्स वर्क ऑन द वन मशीन, एक वर्कर पर एक मशीन थी फॉर 12 hours एंड देन रिप्लेस बाय द अनदर ऑन द सेम मशीन फॉर द नेक्स्ट 12 hours। एक आदमी 12 hours तक इस पर काम कर रहा है, जब इसका कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट वो पर्सन आएगा, वो भी इस पर 12 hours काम करेगा एक मशीन पर, मतलब वो कंटिन्यू चलती रहती थी। चलिए अब आगे का इतनी आएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।